हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स पल्स करी की रेसिपी। इस रेसिपी में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर मतलब स्वाद के साथ सेहत भी मिलने वाली है। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट है ये। आप मिक्स पल से इस तरह से एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और चाहे तो चाट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चाट की रेसिपी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं मिक्स पल्स करी की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक कप दालें ली हैं। दालों में मैंने यहाँ पर 1/4 कप छोले, 1/4 कप काले चने, 1/4 कप साबुत मूंग और 1/4 कप ही राजमा लिया है। इन दालों की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग घटाया बढ़ा सकते हैं। दालों को हमें रात भर के लिए भिगाकर छोड़ देना है, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से फूल चुकी हैं और अब हम इनको कुकर में डाल देंगे। लगभग 6 सीटी आने तक हमें इनको पकाना है। दालों को कुकर में ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें पानी। तो यहाँ पर हमारी 1 कप दाल थी, उसके लिए हम यहाँ पर 4 कप पानी लेंगे। या दालों में इतना पानी एक्स्ट्रा रखना है कि हमारी उंगली इसमें आधी ड्रिप हो जाए। आपको मैं दिखाती हूँ, इतना पानी हमें एक्स्ट्रा लेना है। और अब ऐड करेंगे हम इसमें नमक और अब ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। ऑयल या देसी घी डालने से कुकर से पानी बाहर नहीं आता है उबालते समय और इससे टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है दालों का। और अब कुकर का ढक्कन लगाकर बस हमें 5 से 6 सीटी आने तक इन सभी दालों को पका लेना है। अब लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 4 लौंग भी ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता। और अब बस जीरे को हमें बढ़िया से चटकने देना है। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैं 2 बारीक कटे हुए प्याज यूज़ कर रही हूँ। प्याज को अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई करना है। अभी हमें बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है, मतलब इसमें डार्क कलर नहीं लाना है, हल्का सा अभी हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज हमारे हल्के से फ्राई हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। अगर आप लहसुन खाते हैं तो यहाँ पर लहसुन को भी ऐड कर सकते हैं कद्दूकस करके। अब हमें प्याज का बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर प्याज में बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने बहुत ही बारीक तरीके से कट कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम इसमें मसाले ऐड करने वाले हैं। अगर पानी आप नहीं डालोगे तो मसाले जल भी सकते हैं। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हमें इस वक्त लो कर देना है। और अब ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और अब ऐड करेंगे बहुत थोड़ा सा नमक। नमक हमने पहले भी ऐड किया है इसलिए हम थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब ऐड करेंगे 1/2 चम्मच कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके, साथ ही ऐड कर देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, सिर्फ अच्छे कलर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और अब ऐड करेंगे बड़ी इलायची। तो यहाँ पर मैंने 2 दरदरी कुटी हुई बड़ी इलायची यूज़ की हैं। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमें इनको बढ़िया से फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। मसालों को जब हम धीमी आँच पर पकाते हैं तो उनसे सब्जी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो धीमी आंच पर ही हमें मसालों को पकाना है। अब हम इनको ढककर पकाएंगे जब तक कि ऑयल इनसे सेपरेट नहीं हो जाता है। 2-3 मिनट बाद चेक कर लेंगे। ढक्कन लगाकर इस तरह से हम छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है, मतलब हमारे मसाले बहुत ही बढ़िया से भुन चुके हैं। लगभग 4 मिनट लगे हैं मुझे इनको भूनने में। तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दालें जो हमने उबाल कर रखी थी। दालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप दाल की थिकनेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी भी थिक या थिन ग्रेवी आप खाना पसंद करते हैं। मैं इनको चावलों के साथ सर्व करने वाली हूँ इसलिए मैं इसको थोड़ा पतला ही रखूँगी। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 कप गर्म पानी। पानी आपको गर्म ही यूज़ करना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है। पकी हुई सब्ज़ी में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ गर्म पानी ही यूज़ करना चाहिए, ठंडा पानी डालने से सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है।
पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 लंबी कटी हुई हरी मिर्चें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब हम इसको ढककर पकाएंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं मैंने ढक्कन हटा लिया, इसको हम चेक करेंगे। दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो ये काफ़ी पतली लग रही है, लेकिन जैसे जैसे ये आप इसको रखोगे ये थोड़ी ठंडी होगी ना, तो ये अपने आप ही गाढ़ी होने लग जाएगी। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिए को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमें सब्जी को इसी तरह से 5 मिनट तक ढककर छोड़ देना है गैस का फ्लेम बंद करके। और 5 मिनट बाद हम इसको करेंगे सर्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी मिक्स पर्ल करी बनकर हो गई है तैयार, आप देख सकते हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे, एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।